पढ़ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 की साइंस स्टूडेंट्स, हमारे पास लेक्चर नंबर 33, यूनिट नंबर 5, टॉपिक सॉइल है आपका। और सब टॉपिक में हमने आज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं, उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव डिस्कस अबाउट सॉइल। सो व्हाट इज सॉइल? सॉइल कवर्स द टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ अर्थ। सॉइल इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है? सॉइल अपर लेयर होती है, उसके अलावा ये इन चीजों पर मुश्तमिल होती है जो मैंने अभी आपको बताया, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह। इफ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल, सो यू नो आई हैव डिस्कस अर्लियर, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग लोम। इफ वी डोंट इंक्लूड लोम, सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज क्ले। व्हाट इज क्ले? क्ले सॉइल हैज फाइन ग्रेन्स विद वेरी लिटिल एयर बिटवीन द ग्रेन्स। सो दैट मीन्स वाटर ड्रेन अवे क्विकली, वाटर डज नॉट ड्रेन अवे क्विकली। इफ वी डिस्कस अबाउट सैंड, सो सैंड इज मेड अप ऑफ वेदर्ड लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड एक्सेट्रा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस मटीरियल, ये चीजों में मुश्तमिल होती है। सिल्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज सिल्ट? सो सिल्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो सिल्ट क्या है, ये भी आपको पता है थर्ड टाइप है, और ये मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स और न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होती है। ओके, डिस्कस अबाउट लोम। सो लोम, व्हाट इज लोम? लोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मीन्स टू से तीनों का मिक्सचर है, क्ले का, सैंड का और सिल्ट का। और अगर हम बात करें ग्रोथ के हिसाब से, प्लांट की ग्रोथ, सो इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट लाइफ इन सॉइल। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जिंदगी किस तरह जो है सॉइल में होती है, या जिस तरह भी लाइफ ऑर्गेनिजम्स की किस तरह होती है। लाइफ एग्जिस्ट इन सॉइल, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। द सॉइल, इफ वी डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई, सो दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन अदर सेंस दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। बिकॉज क्या रीजन होती है, ये खुराक को जो है वो उसको इस लेवल पे ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल? बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इंटू न्यूट्रिएंट्स। क्या किया बैक्टीरिया ने, कि इनका फंक्शन हुआ, नाइट्रोजन को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया। एज यू नो, न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, एंड दीज एनिमल्स डैट टू सच एक्टिविटीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया, अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई का भी जो काम है वो बिल्कुल बैक्टीरिया से के साथ है, बिकॉज दे आर बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड डिकम्पोजर्स। सो ये एक्टिविटीज क्या करते हैं, अपनी करते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, और हार्मफुल इनके इम्पैक्ट होते हैं सॉइल के ऊपर, कुछ जो है पौधों को खराब भी कर देते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, इस चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आई डिस्कस करेंगे, आफ्टर डैट आपका चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। व्हाट इफेक्ट ऑर्गेनिक मैटर हैव ऑन द सॉइल? जी, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन, सो आई नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। ऑर्गेनिक मैटर, व्हेन समथिंग इज बर्ड इन द सॉइल, यू कैन से आफ्टर मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स। सो क्या होता है इस प्रोसेस में, द रोटिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक प्लेस। खराब होना शुरू हो गया पौधे का, मतलब जो हमने बरिड किया जमीन के अंदर, उसने डिकम्पोज होना शुरू कर देना है, गलना सड़ना शुरू कर देना है। उनकी जो डिकम्पोजिशन होती है उसके नतीजे में ऑर्गेनिक मैटर बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय डिके ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो क्वेश्चन वाज दैट, व्हाट इफेक्ट ऑर्गेनिक मैटर हैव ऑन सॉइल? ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल बाय डिफरेंट मीन्स। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। Which kind of activity take place in soil? किस किस्म की activities होती हैं soil के अंदर? As you know, soil organisms, for example, bacteria, fungi live in the soil. So they play different activities in the soil. So we are going to discuss about these. Animals eat dead plant and animal matter.
एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. ओके, क्या करते हैं ये डेड प्लांट या एनिमल के मैटर को जो है दोबारा सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ले आते हैं. इस एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सारा जो है ये एक्टिविटी सॉइल के अंदर परफॉर्म करते हैं एनिमल्स. वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. Why does the water drain away quickly in the sand? If we discuss about sand, so sand, as you know, it is the third type of soil. The water drain away quickly in the sand because it has large grain with lots of air spaces between them. क्या होती है इसमें? बड़े-बड़े sand के particles होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा air spaces होती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बहुत जल्दी उसमें से drain away हो जाता है. मीन्स टू से प्लांट जो ग्रोथ है वो उतनी तेजी से नहीं हो सकेगी. और आपने देखा होगा रेत में जो है पौधे बहुत कम ग्रो करते हैं, इनफैक्ट ग्रो ही नहीं करते. अगर उसके साथ कोई और होगी काइंड ऑफ सॉइल तो फिर वो ग्रोथ उनकी हो सकेगी. ओके, लव दिस.